मैं हूं संगम और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल फर्स्ट प्रोडक्शन। कैसे हैं दोस्तों, मज़े में होंगे? मैं भी मज़े में हूँ यार। आजकल ये क्या काम खुल गया है, ऑफिस जा रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर मैंने बोर हो गए थे। आप लोग कुछ शायद मेरे घर से बोर हो गए होंगे। तो काम करने वाला बंदा होता है, अगर वो घर पे बैठ जाए तो बोरिंग वाली तो बात होगी ना। तो यही है, इसलिए जो है आज का टॉपिक भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मास्क पहना इंडिया। मास्क पहनो इंडिया, कोरोना को भगाओ इंडिया, इसी के तहत मैं आज निकल रहा हूँ। पता नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि सबको किसी को बोलना ना पड़े। किसी दिन ऐसा भी आए कि मैं किसी को ना बोलूँ कि मतलब मास्क पहनो। इसी होप के साथ आज का दिन भी मैं हमेशा यही सोच के शुरुआत करता हूँ कि मुझे किसी को बोलना ना पड़े कि भैया मास्क। कौन सा अच्छा आ रहा है यार, गलत पुलिस वाला भी भैंस यार, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। सही वाले यार, उधर से गाड़ी मोड़ रहे हैं, वहाँ से रॉन्ग साइड से जा रहा है। बताओ यार बंदा, ऐसे करते बताओ। पुलिस वाले समझते हैं सबकी इनकी बापकी है, कुछ भी कर लेंगे सही हो जाएगा, इनका सही होता है। और गलत और सब गलत है, यही सही है बस। वैसे तो सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ भी समझते हैं कि वर्दी पहन गया तो बस हो गया। कल भी तुम लोगों ने मास्क नहीं पहना था, आज भी नहीं मास्क पहन रहे हो। कल दिया था ना मास्क, तुम्हें नहीं दिया? ले भाई पहन ले, आजा इधर आजा, इधर आजा, आजा मास्क ले ले, मास्क दे रहा हूँ। पतंग उड़ाने के लिए चला, पतंग इतना प्यारी है तुझे, कल पतंग लेके दे दूंगा। आजा आजा मास्क पहन ले। ऑप्शन तो है नहीं, तो सब डिस्टेंसिंग, वैक्सीन भी आ गया, वैक्सीन लगा रहे हैं,
मैंने भी लगा लिया है, फर्स्ट डोज लगा लिया है, सेकंड डोज आने वाला है, बस दो चार दिन एक हफ्ते दो हफ्ते रह गए, बस सेकंड डोज लग जाएगा। तो लोगों को ये मतलब भ्रम है कि जो अगर वैक्सीन लगा ले उसको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोरोना होगा अगर कोरोना तो वायरस है ना, लेकिन उसके अंदर इम्यूनिटी पावर इतनी हो जाएगी वैक्सीन लगने के बाद कि उसको वो मतलब डेथ से बचाएगा, यानी कि मृत्यु से बचाएगा। तो इसके लिए लोगों को बचने के लिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, यही चीज़ें हैं जो हमें बता सकती हैं, और हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज करना, यही चीज़ें हैं हमको जो बता सकती है, और कुछ नहीं। गैदरिंग चल रही है बताओ, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, जब लोग मास्क पहने होते हैं ठीक है चलो पहने होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं ना तो नीचे कर लेते हैं, उसका क्या मतलब है? बात करो तो उसको मास्क के नीचे करने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। इसलिए मास्क पहना जाता है ना कि ताकि आप अगर सपोज मान लो आपको हो गया है तो मुंह खोल के बात करो तो ड्रॉपलेट्स फैल जाते हैं ना, इसलिए तो होता है मास्क। मुंह खोल के बात कर रहे हो सर, आप लोग बात कर रहे हैं, मास्क तो पहन लीजिए भैया, मास्क पहन लीजिए, अगर नहीं है तो मैं दे देता हूँ मास्क, है मास्क पहन लीजिए, जब बात कर रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस होकर बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोरोना अभी गया नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। थैंक यू। आप दूसरों को खाना खिलाते हैं ना, इसलिए बोलता हूँ मैं, है ना, आपसे दूसरों को ना फैलाएं, दूसरे आपको ना फैलाएं, इसी वजह से बोलता हूँ।
आपको पास मास्क नहीं है, तो आप लोगों के पास मास्क नहीं है क्या? मास्क ले लो। दोनों लोग पहन लीजिए मास्क भाई, कोरोना अभी गया नहीं ना। अभी तो आप लोग को रोटी पानी मिल रहा है, 3 महीने बहुत हालत खराब हो गई थी ना, वो सब भी देखना पड़ता है माता जी, है ना। हाँ नहीं, मैं तो सोशल वर्कर हूँ। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे इसी इस तरह का काम करता रहता हूँ, मुझे कहीं से सहयोग नहीं मिलता, मैं अपने आप से करता हूँ। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। माता जी राम राम। मास्क कहाँ है आपका? मास्क तो पहन लीजिए माता जी। मास्क पहन लीजिए भाई, आप दूसरों को ना फैलाएं, दूसरे आपको ना फैलाएं, ये बहुत जरूरी है, आज के डेट में जरूरी हो गया है। आप तो दिन भर यहाँ पर काम करती है ना, तो कोई भी आ जाता है जाता है, आपको भी दिक्कत है उनको भी दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए शुक्रिया। देखो मास्क पास पहन रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये है कि खुद भी बचाओ दूसरों को भी बचाएं ना, दैट इज द पॉइंट, वही एक पॉइंट है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि दिन भर काम करते हैं, अगर एक को भी हो गया तो दिक्कत है ना। अरे देखो सड़क ऐसी है या मतलब क्या हो गई है ये, देखो क्या बताऊँगी। ये लोग तो मतलब दिन भर भुट्टा उठा बेचते हैं, लोग जाके खाते हैं, तो उन लोगों को भी एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग जो है भुट्टा खाइए, लेकिन उनको बोलिए कि मेरा मास्क पहने। जो भी मेरे वीडियो को देखता है कहीं पर भी जाइए, पहले बोलिए कि मास्क पहनो, फिर उसके बाद पहने रखो, तभी हम लोग आएंगे खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, है ना, वो जरूरी है। देखो बंदे ने मास्क पहना, वेरी गुड, मास्क पहना है, गुड। मेरे डैड भी इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने भी देश के लिए सेवा किया है, मैं भी थोड़ा सा अपना योगदान दे दूँ इसी तरह से। वो लोग भी तो अपनी जान जोखिम में डाल के पूरी देश की रक्षा करते हैं, तो हम लोग कुछ लोग जान अगर बचा पाए तो उसमें भी खुशी मिलती है। तो खुशी कहीं पे भी मिलती है, लेकिन नज़रिया होना चाहिए। और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को, जो आपके आपका ही चैनल है, मेरा क्या है मेरा कुछ नहीं है, अपने आप आपके चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर करना मत, अगर आपके भी 10-12 दोस्त हैं उनको शेयर करिए, उनको बोलिए तो उनको शेयर करें, तो इस तरह से ही अब तक शेयर करें ताकि सब तक ये मैसेज पहुँचें कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग इतने सारे लोग निकल रहे हैं, मास्क कहाँ आप लोगों का? मास्क कहाँ है? जेब में क्या कर रहा है? अरे सोशल डिस्टेंसिंग सब पहनो पहनो, मास्क पहन लो, नहीं है तो मैं दे देता हूँ। एक ही फैमिली के तो क्या कोरोना नहीं आ गया एक फैमिली में?
रास्ते में चल रहे हो भाई? मास मास गोपाल चल रहे हैं सर, रास्ते में खड़े हैं। मास्क कहाँ पहन रखा है आपने? मास्क तो पहन रखा है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कहाँ पहन रखा है? कोरोना जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं पहन रखा है सर जी। नहीं वो तो सही है, थैंक यू थैंक यू। तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग जो भी करते हैं लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, मुझे हौसला मिल जाता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और भी करता रहूँ, इसीलिए। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। भैया मास्क पहन लीजिए, भैया मास्क मास्क पहन लीजिए, मास्क मास्क छुट्टी में नहीं ऊपर पहन लीजिए, नाक पे कोरोना वहीं से घुसता है भैया, लोग समझते क्यों नहीं हो? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दे दीजिए, कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हो ही जाऊँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, स्पेशली सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोगों के साथ एक सब्सक्राइब से मुझे हौसला मिलता है कि मैं और भी अच्छा काम करूं। तो टेक केयर गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।